पंजाब में गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद एक बार फिर राज्य में सुरक्षा का मुद्दा उठने लगा है। राज्य में खालिस्तानी समूह की सक्रियता ने भी चिंताओं में इजाफा किया है। सूत्रों की माने तो खालिस्तानी समूह अपने काम के लिए तिहाड़ जेल में बंद अपराधियों का सहारा ले रहे हैं, साथ ही जेल के कर्मचारियों की तरफ से मदद भी मिलने की बात सामने आ रही है। मूसेवाला की पिछले दिनों मनसा जिले के ज्वाहर के गांव में हत्या कर दी गई थी। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद कुख्यात गैंगस्टर का इस्तेमाल खालिस्तानी समूह कर रहे हैं। तिहाड़ में करीब 17 से 18 गैंगस्टर बंद हैं, जो जेल परिसर में अपनी गतिविधियां बड़ी आसानी से चला रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि कुछ जेल कर्मचारियों ने कथित तौर पर बैरक के अंदर फोन और सिम कार्ड पहुंचाने के लिए मोटी रकम वसूली है। ऐसे जेल कर्मचारियों की भूमिका भी जांच के घेरे में है। कनाडा समेत अन्य देशों में मौजूद खालिस्तानी समूह इन गैंगस्टर्स का इस्तेमाल भारत विरोधी गतिविधियों के लिए कर रहे हैं। सिद्धू मूसेवाला की हत्या की जिम्मेदारी गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के सहयोगी गोल्डी ब्रार ने ली थी, जो इस समय कनाडा में बैठा हुआ है। गोल्डी ब्रार के खिलाफ इंटरपोल ने रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया है। गोल्डी ब्रार ने कनाडा से ही सिद्धू मूसेवाला की हत्या की साजिश रची थी। दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से भी पूछताछ की जा रही है।